आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है, देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं है उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी के पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है, इस फैसले को चुनावी बताया जा रहा है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी की बात करें या पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, और खासतौर पे चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बारे में कहा जा रहा है कि ये चुनावी फैसला है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है ताकि आप एनडीए में शामिल हो सके, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हों जीते हों, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही है ये कोई मसला ही नहीं है। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा, चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। और ये छोटी बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी का विधिवत ये बयान आया है, मैं इस बयान की आलोचना ही कर सकता। कांग्रेस पार्टी की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से ये एक लंबी मांग रही है, आज की बात नहीं है। और क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या जो शीर्ष नेतृत्व है उसको आप थैंक यू बोल भी रहे हैं, क्या पहली जो सरकारें थी उनमें ये किसान के प्रति इतना संभाव नहीं था कि वो दे सकते थे उनको? देखिए, सीमित लोगों के इर्द गिर्द भारत की सत्ता रही है, कुछ ही लोगों के जो मुख्यधारा में रहे हमेशा से, उन्हीं के हाथ में फैसले लिए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से फैसले लिए गए हैं, और अब एक नए भारत में ये सारी चीज बदलती दिख रही है। सर, अखिलेश जी ने कहा है कि चौधरी साहब को भारत देने की मांग सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने की। देखिए, पहले की मैं उनका भी स्वागत करता हूं, जिन जिन ने समर्थन किया, जो इस फैसले के साथ हैं और जो चौधरी साहब के लंबी यात्रा में, जीवन यात्रा में उनके संघर्षों के साथ रहे, उन सबको बधाई देता हूं। ये अकेली कोई हमारी जीत नहीं है, सबकी जीत है और श्रेय सबको जाना चाहिए। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए, बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था यूपीए 2 के टाइम के, लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहां चौधरी साहब की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूं कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से, आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। तो मतलब ये जैन जी ये मान लें कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके शर्तों के अनुसार उनको ज्वाइन करेंगे और देखिए, आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मानने हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया
जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हरेक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। सर, आपका एक चवन्नी वाला जो बयान था बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और जगह जगह लोगों ने उसको देखा, आज आप उसको कैसे देखा? मैं अपनी एक भी ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। जिस समय पे मेरी भावना होती है उस अनुरूप परिस्थितियों के अनुरूप मैं अपनी बात रखता हूं। और मैं कहता हूं राजनीति में जो विपक्ष बात कहता है उसे भूल जाना चाहिए, जो सरकार बात रखती है उसे याद रखना चाहिए। सर, जब आप घोषणा कर चुके हैं कि आप एनडीए के साथ अब जा रहे हैं। नहीं, आज एनडीए की मैंने कोई घोषणा नहीं की। मैं सिर्फ कसर तो कोई कसर रह गई है बताओ, इतना बड़ा फैसला लिया हो। ऐसे में अगर आप सीटों के बारे में भी चर्चा कर लेते। मैं कहा सीटों की कोई बात ना मैं आपके साथ करूंगा, ना मैं किसी प्रधानमंत्री और सरकार में शामिल लोगों के साथ बैठ के करूंगा, बीजेपी के किसी व्यक्ति के साथ नहीं करूंगा। आज तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये वाकई में आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए और किसान समाज के लिए, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। लेकिन क्या इससे अग्निवीर का मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे किसानों की एमएसपी की मांग, जो जिस पर आप लगातार संघर्ष करते रहे थे, वो मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे जो 1.5 साल दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन चला जिसमें कई किसानों की जान गई, जो मुद्दा आप उठाते रहे, वो मुद्दा खत्म हो जाता है? इसका आप क्या जवाब देंगे? इसी सवाल में मेरा भी सवाल है, इन्हीं सवाल में, ठीक है, कि अभी जो 16 तारीख को और मार्च में जो किसान आंदोलन होने वाला है, जिसको लेकर महापंचायत चल रही है, आपके क्षेत्र से भी किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उनसे बातचीत करेंगे कि नहीं? आप बीजेपी पर या केंद्र सरकार से? मैं इतना ही कहूंगा कि लोग ये सारे इन सवालों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपनी बात रखते हैं, लोकतंत्र में शिकायतें भी होती हैं, आंदोलन भी होते हैं, समस्या भी उठती हैं, और ऐसा कोई एक हल नहीं निकाला जाता कि सारी समस्या आज तक जो है वो फिर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और आगे कभी हो ही ना। तो ये एक सतत प्रयास होता है भारत सरकार का, जो किसानों के प्रति जो उनके भाव हैं, गांव के और कमेरा वर्ग के प्रति जो उनकी इच्छाएं हैं, जो समर्पण है, जो इच्छा शक्ति है, आज उसे उन्होंने प्रदर्शित किया। और लोग हिम्मत ले सकते हैं इस निर्णय से कि अगर कोई सरकार चौधरी चरण सिंह जी को इतना बड़ा सम्मान दे सकती है, तो जो मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी के अहम मुद्दे रहे, जिनके लिए उन्होंने काम किया, जिस वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किए, उनकी बात भी मानी जाए। सर, अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था, उनका कहना ये था कि पता नहीं जयंत जी क्यों जा रहे हैं, शायद उन पर कोई मजबूरी रही होगी या उन पर कोई सीबीआई, ईडी, आईटी, वैसे वो हिंट कर रहे थे कि शायद आप पर कोई मजबूरी हुई होगी, इस पर क्या कहा? नहीं, पता नहीं मेरे लिए कहा है, किसी और खैर, उन्होंने मैंने एक बात पढ़ी थी कि दलों को खरीदने में जो सामर्थ्य है बीजेपी का, मैं कोई उनकी बात को काट नहीं रहा हूं, जो उन्होंने बात कही अपने सोच समझ से कही होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार ने आज जो निर्णय लिया वो दिल जीता है, कोई खरीदने की बात नहीं। सर, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 12 तारीख वो तारीख है जब रालोद एनडीए का हिस्सा बनेगी, तो मान लिया जाए कि 12 तारीख को रालोद एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है? पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी को अच्छी जानकारी है। चौधरी साहब का जन्म, चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिवस है, हम तो मनाएंगे उस दिन, सारे देश में मना रहे। थैंक यू।